कितना प्यार करें। मैं जा चीज के लिए अपने मम्मी पापा से कहूँ ना, बस एक बार में ही हाँ कर दें, बस सोचे बिना वह चीज के बारे में। अब मैं अपने मम्मी पापा से यूँ कहूंगा ना कि पापा मैं पूनम नाम की लड़की से प्यार करता हूँ और शादी भी वही से करूंगा, तो पापा झड़ी हाँ कर देंगे कि ठीक है बेटा, अगर तो वो लड़की इतनी अच्छी लग रही है तो तेरी करवा देंगे वहां से शादी, काहे को टेंशन ले रहे हो, ऐसा करेंगे मेरे पापा। अब जल्दी आ जा, देख तेरे सामने बात करूंगा मैं अपने मम्मी पापा से, और तू पूनम को साफ साफ जाके बता दियो का कही मेरे मम्मी पापा ने, आ जा जल्दी। नमस्ते मम्मी, नमस्ते पापा। नमस्ते, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बता, का चीज की जरूरत है तेरे को, का चाहिए? ए पापा कुछ ना चाहिए मोको, तो तेरी है नमस्ते के पीछे कुछ ना कुछ तो जरूरत छुपी रहे, साफ साफ बता दे मेरे को का चाहिए। जा दिन तेरी नमस्ते हो गए ना, वा दिन तो कुछ ना कुछ जरूर मांगे। हाँ साफ साफ बता दे मेरे को का चाहिए तेरे को। ए पापा कैसी बात कर रहे हो तुम भी, मैं का चीज मांगूंगा तुमसे, मेरा तो मन कर रहा हूँ नमस्ते करने का, मैंने तो यही मारे नमस्ते करी है, मोको काई चीज की जरूरत ना, मैं कुछ ना मांगूंगा तुमसे। चल ठीक है फिर, पापा वैसे एक एक बात कहनी है मो तुमते। देख लेकर आई ना जरूरत, मैं पहले कह रहा हूँ तो कुछ ना कुछ मांगेगा मोते। पापा ना चाहिए मो कुछ भी, मो कुछ ना चाहिए तुमते, आज मैं बस ऐसे ही तुमते कई चीज के बारे में पूछने आया हूँ। हाँ पूछ फिर जल्दी। पापा वो मैं है ना, मैं यू कह रहा हूँ तुमते, वो है ना मैं एक बाहर की, अरे साफ साफ बता दे क्या बात है, मैं वो बाहर बाहर कर रहा हूँ, साफ साफ ना बताई जा रही। हाँ बता रहा हूँ पापा, बता रहा हूँ पापा, मैं है ना एक पूनम नाम की लड़की से प्यार करूँ, वो मेरे संग स्कूल में ही पढ़ी, तो मुझे बात है प्यार है वो, और मैं वही से शादी करूँगा। हाँ यही यही बात ही कहने आया मैं तुमसे, तुम राजी हो ना मेरी जान पूनम से मेरी शादी करवाने के लिए? का बोलो, दोबारा बोलियो। जी निकल रहे हैं, नहीं मुझे लग रहा तेरा पापा तो काटेंगे अच्छी तरीके से। पूनम से शादी करूंगा मैं, मेरी जान मेरी सब कुछ है वो, हाँ मैं वही से शादी करूंगा, मैं बस वही से प्यार करूंगा, हाँ और कई लड़की से शादी ना करूंगा मैं। हाँ या बात बता रहा हूँ मैं तुमको, पूनम के घर वाले भी राजी है मुझे शादी करवाने के लिए, बस मैं यही मारे तुम्हें पूछने आया हूँ, हाँ बस तुम्हारी हामी लेने आया हूँ मैं, पूनम से प्यार करूँ और पूनम से शादी करूंगा। हाँ तुम राजी हो ना, या बात पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, और पूनम भी यही बातें कह रही है, अगर तेरे घर के राजी हो तो मैं तभी तोते शादी करूंगी, हाँ नहीं मैं ना करूंगी तोते शादी। पापा यही मारे तुम्हें राजी होना पड़ेगा मेरी शादी पूनम से करवाने के लिए, नहीं मेरी शादी ना होगी पूनम से। और मैं राजी ना हुआ तो का पापा का कह रहे हो तुम, अपने अपने लाडले लड़का के लिए इतना ना कर सको तुम? भाई हाँ पापा शादी करवा रहा हूँ इनकी, शादी करवा रहा हूँ, पढ़ो लिखो तो जा रहा ना ढंग से, पढ़े लिखे अच्छी खासी नौकरी लगावे, शादी की जरूरत है इन्हें, शादी करवा इनकी पहले। पापा तुम्हें हामी भरनी पड़ेगी हाँ पूनम के लिए, अब तुम्हें राजी होना पड़ेगा, हाँ मैं वही तो शादी करूंगा बस। अरे ना भरो मैं हामी, ना करा रहा तेरी पूनम से शादी, जा कर ले का करेगा, कहीं करवा दो तुम मेरी पूनम से शादी, कहीं ना करवाऊ मैं तेरी पूनम से शादी। फिर पापा मैं कुछ ना कुछ कर बैठूंगा, हाँ तुम्हें शादी के लिए हाँ तो करना पड़ेगा, हाँ नहीं पापा मैं करूंगा भी कुछ ना कुछ जाके, अभी पछताओगे फिर बाद में, का कर लिया भज्जी ने। निकल जल्दी फटाफट जा और कर ले का करना, तो जा जल्दी निकल जाते, लेकर जल्दी मेरे मूड खराब मत करेगा, लेकर जा मेरी नजर के सामने थे, देख लो फिर, हाँ देख लियो, जा कर ले जाके का करेगा, जा जल्दी कर यहाँ पे, यू कर लेगा कुछ ना कुछ, या कि शकल पर देख रहा हूँ, यू कुछ कर लेगा, अपने बाप को उल्लू ना बना सके तू, हर काय को उल्लू बना देगा, अपने बाप को उल्लू ना बना सके। अब क्या करेगा, तेरे पापा ने तो मने कर दी। ए यू बात मैं पहले ही पता ही, पापा मने करेंगे, मैं तो बस पूछने गए हो के माने जा पापा, पर मैं पहले ही पता ही मानेंगे ही ना। फिर अगला करेगा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कैसे ना कैसे करके तो पापा मनाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं करूंगा तो शादी पूनम की, अब मुझे मनाने तो पड़ेंगे पापा। तो मैं वही बात है तो पूछ रहा हूँ, कैसे मनाएगा अपने पापा ने? आगो आइडिया, अब पापा का भूत भी मानेगा, अब देख मैं क्या करूंगा, देखिए सही है ऐसे एवन ने करता रहो या कुर्सी पर सही से खड़ो रहियो, अगर गिर गो ना या कुर्सी पे तो आंख भाल निकलने में ज्यादा टाइम लगेगा तेरी। अरे मैं ना कर रहा हूँ, अब तू भागो भागो जा पापन के ढिंग, और पापन तो जाके कह भज्जी पतो ना अपने कमरा में का कर रहा हो, के बाद लगा रखी है वाले, मैं कह रहा हूँ तो गेट और ना खोल लो कमरा को, जा जल्दी गेट फेर के जाइयो। ठीक है ठीक है, अब पापा तुम आगे आगे हाँ करोगे पूनम के लिए, मेरा भी नाम भज्जी है, भज्जी तुम्हें मनवा के मानूंगा, हाँ आ जाओ जल्दी। अंकल जल्दी चलो भज्जी के कमरा में, भज्जी ने केवल लगा रखी है, पता ना अपने कमरा में का कर रहा है, जल्दी चलो मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता ना का कर रहा है भज्जी अपने कमरा में, जल्दी आ जाओ। है गई यहाँ की प्लानिंग चालू, कितनी भी प्लानिंग सजा ले बेटा, पर मैं ना मानूंगा, मैं ना कराऊंगा तेरी वाली लड़की से शादी, अयो देख तो नहीं कर रहा है। पापा तुम कैसे अंदर आ गए, मैंने तो गेट लगा रखा।
बेटा या गेट लगानो न कहमे या गेट फिर न कहमे, अगर तो गेट लगानो तो या को सड़कोना तो अंदर उड़ से दे तो और तारो लगा ले तो चाबी अपने मुंह में सटक जातो। हाँ, जो कभी गेट खोलतो ना तो को यू सब करने से पहले गेट अच्छी तरीके से लगाना चाहिए और तारो लगा के चाबी सटक जातो। अब हम तेरे लटकने से पहले ही आ गए। अगर तू गेट पे तारो लगा के चाबी सटक जातो ना तो हम इतनी जल्दी तेरे कमरा में ना आ पाते, तू आराम से सब काम कर लेते। हाँ, जब तक हम आ पाते ना तब तक तेरी आँख भल लेकर जाती। अगर हम गेट तोड़ तार के भी अंदर आते तो तेरी आँख भल लेकर जाती। हाँ, मतलब जो तू अब कर रहा हो ना भाई सही सलामत कर ले। तो अब देख, हम पहले ही अंदर आ गए तो सोचनी चाहिए आगे बारे में पहले। हाँ, पापा सही कह रहे हो, तुम सही कह रहे हो, मैं भूल गई हूँ। तो हम 10 मिनट के लिए बाहर जा रहे हैं, पहले सड़कोड़ा लगा, फिर वहाँ में तारो लगाइयो, तारो लगा के चाबी सटक जाइयो, तब लटकियो यहाँ पे। फिर हम 10 मिनट के बाद वापस आएंगे, फिर तेरे गेट खटखटाएंगे, लात घुसा सब बजाएंगे गेट में के, भज्जी बेटा क्या कर रहे हो अंदर, क्या कर रहे हो भज्जी, गलत मत करिए कुछ, है ठीक है। फिर हम पे गेट में खुलेगा ना तो मैं धनुआ पे गेट तोड़वाऊंगा, पर तू इतने में सब कुछ काम कर लियो अपनी है। जब हम गेट तोड़ के अंदर आए ना तो तू या कुर्सी पे खड़ा मत मिलियो, हाँ लटको ही मिलियो हमें, आंख बाहर निकली होनी चाहिए तेरी, मतलब समझ रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। आ जा भज्जी की मम्मी, भूल गए हो बेचारो गेट लगाना, अब लगा लगा सही थे, आ जा। अब यहाँ पे उतर ही लो सही सलामत। सुनी ना तेरे पापा का क्या कह गए थे, तो या कुर्सी पे थे उतारना तो दूर रहे हो, बल्कि तो समझा के कहें बेटा यू सब करने से पहले गेट ढंग से लगाना चाहिए, जो जल्दी कोई कमरा में ना घुस पावे। अब मुंह तो लगे ना तेरी प्लानिंग कामयाब हो पाएगी। धनुआ बेटा तू बाहर आ जा, गेट ढंग से लगा लंबे। हाँ, वो भूल गए होगा बेचारा जल्दबाजी में, आ जा बाहर, तू आ जा जल्दी बाहर। हाँ हाँ, आगो अंकल आगो। देख ले भज्जी, अब मुंह ना लगे तेरी प्लानिंग कामयाब हो पाएगी। कौन सी मट्टी के बने यू पापा, अपने छोरा की नेक में फिक्र ना है। भज्जी बेटा फंदा अच्छी तरीका से लटकाइयो, जो तू लटका तो टूटे ना वो। आज यहाँ की हिम्मत, ये देखूंगा कितनी हिम्मत है यहाँ में लटकने की। हमें तो उल्लू समझ रहा हो, उल्लू उल्लू को पट्टा समझ रहा हो, हमें तो वह कुर्सी पे चढ़ के रस्सी ऐसे लटका लिए नार में के, हाँ अब मान जाएंगे पापा। पर या को यू बात ना पता, या के पापा या जैसे ने कितने नचला तो आयो, लटकेगा यू फांसी पे, आज तो फांसी पे लटकवाऊंगा बेटा। अरे लटको ना लटको, अरे यहाँ का अपनी ऐसी तैसी मराने आयो, मैंने तो कही ना अंदर से किवाड़ लगा फिर रस्सी पे लटक जा, और पीछे थे हम आ रहे हैं, हम के बारे में खटखटाएंगे फिर। ओ भज्जी 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 क्या कर रहे हो, भज्जी भज्जी पर तू लटक जाइए, जा जल्दी जा, आ रहे हम पीछे थे। मतलब तुम राजी हो गए ना मेरी पूनम से शादी कराने को, चाहे मैं मर जाऊं कट जाऊं या पानी में डूब जाऊं, तुम्हें यह बात पे कोई फर्क न पड़े है कि मेरा बेटा यू सब करने की सोच रहा है पूनम के चक्कर में। ले मैं राजी है जाऊं, नहीं तो मेरा बेटा कुछ कर लेगा। तुम्हें नेक भी फिक्र ना अपने लाडले बेटा, अपने प्यारे बेटा भज्जी की है। तुम तो यूं कह रहे हो, जा लटक जा 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 मर जा, तुम्हें तुम्हें नेक भी फिक्र ना हरी मेरी है। कैसे कैसे पापा, तुम अपने लाडले बेटा भज्जी के लिए इतना न कर सको, तुम पूनम से शादी न करा सको, बाकी कैसे कैसे पापा हो तुम। यूं रोना धोनो मेरे सामने काम ना आएगा, सुनी कितना भी रोले तू मेरे ढंग, कितने भी आंसू टपका ले या फांसी पे लटक जा, मुंह पे घंटा फड़कना पड़ने वाला। जिंदगी की राहों में दर्द गम के मेले हैं, भीड़ है बस एक पापा की, अरे हम अकेले हैं। बहुत प्यार करूंगा पापा पूनम के, और पूनम भी मुझे बहुत प्यार करे, तुम प्लीज मेरी शादी करा दो पूनम से, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा, फिर हम मेरी बस एक बार शादी करा दो पूनम से, फिर पापा करा दो मेरी शादी पूनम से। चल करा दूंगा तेरी शादी वाली लड़की से। का कह रहे पापा, तुम सच में करा दोगे मेरी शादी पूनम से, मतलब राजी है तुम, है पापा। थैंक यू पापा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद पापा तुम्हारा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यह बात पहले जानो, तुम मान जाओगे मेरी पूनम से शादी कराने के लिए, तुम बस मुझको आजमा रहे है नी, मने करके आजमा रहे ना तुम मुझको, देखू ये का करेगा का ना करे। बहुत नोटी है पापा तुम। नोटी बॉय, गलत बात है अपने लड़के को आजमाना। मेरी पूरी बात सुनिए तेने, नोटी बॉय ना नोटी बॉय करवा दूंगा अभी तो पे। तेरी मैं वह लड़की से शादी तभी कराऊंगा, मेरी एक शर्त है तेने, वह शर्त है तू पूरा करेगा ना तभी तेरी पूनम से शादी कराऊंगा मैं। कैसी कैसी शर्त? तो को अपनी ऐसी नौकरी लगानी पड़ेगी जो तू हर महीना 70 से 80 हजार रुपए कमावे, अगर तू महीना में 70 से 80 हजार रुपए कमाएगा तभी मैं तेरी शादी वह लड़की से कराऊंगा। नहीं मैं कभी राजी ना हूँ वह लड़की से तेरी शादी कराने के लिए। 70 से 80 हजार रुपए, वो भी महीना में, यू तो असंभव है, यू तो नामुमकिन है, 70-80 हजार रुपए महीना में हो महीना पापा, तुम कैसी बात कर रहे हो पापा, हैं इतने पैसे कैसे कमाऊंगा मैं। ना कमा रहा हूँ, मेरी शक्ल माई देख, मैं ना कमा रहा हूँ, 2-2.5 लाख रुपए पर महीना कमाऊँ मैं चूतिया हूँ जो इतने पैसा खामा खा के कमा रहा हूँ, तू ना कमा सके ऐसा मेरी तरह। वो तो तुक्का पे चल गया तुम्हारा बिजनेस, जब कमा रहे हो तुम इतने पैसे, अब मैं ऐसा बिजनेस कौन सा स्टार्ट करूं जो इतने पैसा कमाऊं है, तुम बताओ पापा कैसी शर्त रख रहे हो मेरे सामने, यू शर्त ना पूरी होगी और ना मेरी पूनम से शादी होगी, तुमने तो ऐसी शर्त धर।
अब देख ले तू ही, मैं तो राजी हूँ, तो इतने पैसे कमाने पड़ेंगे, नहीं तो मैं बिल्कुल भी ना कराऊँ तेरी शादी वाली लड़की। मूड चटका रहे पापा तुम मेरा, हाँ मैं बता रहा हूँ मूड चटका रहे मेरा, मैं भगा के ले जाऊंगा पुगना मैं, हाँ फिर देख करेंगे दोनों भाग के शादी कर लेंगे हम, हाँ मैं बता रहा हूँ पापा, तुम ना मानोगे तो वहाँ के पापा राजी है, तुम क्यों ना राजी है, ये बात बताइए तुम, पूनम के मम्मी पापा दोनों राजी है, हाँ के मैं करा दूंगा वो लड़का से शादी तेरी, पर तुम राजी नहीं रे, बता बताओ कैसे पापा हो तुम, भाग के शादी करेगा तू, तुम राजी राजी कराई ना रे मेरी शादी, तो यूं ही करना पड़ेगा मुझे, और का करना पड़ेगा, भाग के शादी करनी पड़ेगी मुझे, मोटे शादी कराने के लिए पूनम के मम्मी पापा राजी और वहाँ का पूरा खानदान राजी, और तुमने पता ना कौन सी गोली खा रखी है जो तुम राजी नहीं के दे रहे, ये सही बात बोली पापा तुम्हारी, आया तुम कोई फादर आए बहस करने को, अब क्या करेगा तू अपने पापा ने मनाने के लिए, अब सब कुछ तो करके देख लिया, अब क्या करूं, मैं तो यूं सोच रहा हूँ अगर मैं रस्सी पे लटकने को बहाना करूंगा तो पापा देखेंगे तो पापा डर जाएंगे एक संगी के, और का कर रहा मेरा भज्जी बेटा, तो एक संगी हाँ बोल देंगे कि कर ले बेटा पूनम के शादी, पर मोए का पता ही वहाँ पे आके मुँह सी खोड़ देंगे कि बेटा किवाड़ लगानी चाहिए पहले फांसी पे लटकने से पहले, कुंडी अच्छी तरीका से लगानी चाहिए जो तो लटकने से पहले कोई ना घुस पावे कमरा में, ऐसी ऐसी सीख देंगे पता समझा, और इन एवन में करवाने के लिए भज्जी बेटा यूं ना करना चाहिए, भज्जी बेटा यूं ना करना चाहिए, तब लटकना चाहिए, आंख आंख बाहर निकल जानी चाहिए, ऐसे ऐसे कर रहे हैं मुझे बताओ, मैं तो फिकर ना होने तो मेरी, मेरे पापा ने फिकर तो मुझे पूरी है, पर वो जाने कि यू ऐसा गलत कदम ना उठा सके, ना लटक सके फांसी पे, ना यू डूब के मर सके, बस यू बहाने बना सके, हाँ उन्हें पूरा विश्वास है मेरी यह चीज के ऊपर कि हाँ यू ऐसा गलत कदम ना उठा सके, तो यही मार पापा बेफिक्र है कि कह दें कि लटक जा लटक जा जो करना वो कर ले, क्योंकि उन्हें पता है यू ऐसा काम ना करेगा, तो फिर तेरे पापा पूनम के लिए मानेंगे ना है, मान तो जाएंगे पर प्यार से मनाने पड़ेंगे, हाँ अब मैं कुछ और तरीका निकालूंगा पापा ने मनवाने के लिए, मैं भी उनको ही खून हूँ इतनी आसानी से हार ना मानूं मैं भी।